पहले स्विस रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, 1 कप दूध लिया है, 2 चम्मच टूटी फ्रूटी पर क्या इसकी जगह मंच ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर मैंने बटर लिया है 2 चम्मच, 1 कप नारियल पाउडर है, 4 टेबलस्पून मिल्क मेड की जरूरत होगी, या तो आप इसके बदले सिर्फ शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। बिस्किट है जो कि 3 पैकेट मैंने लिए हैं, पाउडर शुगर है, चीनी है जिसे पीस के लिया है। बिस्किट्स को हम तोड़ के डालेंगे, इसके ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। हमने पार्ले जी बिस्किट की पाउडर बना ली है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मोटे टुकड़े हैं तो वापस एक बार आप मिक्सी में चला सकते हैं, या तो इसको आप छान के ले सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून चीनी पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे, ये बटर है आप घी भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, अब थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसे गूंद लेंगे। आटे को हमने 20-25 मिनट गून के अच्छी तरह चिकना कर लिया है। अब इसकी स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 कप नारियल पाउडर लेंगे, आप सूखा नारियल और गीला नारियल दोनों भी ले सकते हैं इसकी जगह। यहाँ मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसमें 1/4 टेबलस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, इसमें मैं 3 टेबलस्पून मिल्क मेड मिला रही हूँ। इस पार्ले जी रोल को थोड़ा और टेस्टी बनाएंगे के लिए पर्क यूज कर रही हूँ। आप इसकी जगह मंच ले सकते हो, किटकैट ले सकते हो। को इस आटे को हम थोड़ा हाथ से दबा देंगे। हमें थोड़ा मोटा रोल चाहिए इसलिए हम चौड़ाई में ज्यादा बेलेंगे नहीं। अब इस पे हम टूटी फ्रूटी फैला देंगे। अभी हमने आउटर लेयर बना ली है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। इसके ऊपर मैंने फॉइल लगा ली है, पकड़ के उल्टा कर लेंगे। ये हमने इसे उल्टा कर लिया है, इसे सिर्फ दबाना है ताकि नीचे से वो थोड़ा अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके ऊपर हम स्टफिंग डाल लेंगे। इसके ऊपर हम ऐसे पर्क के टुकड़े फैला देंगे। ये खाने में बहुत क्रंची लगते हैं। थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। अब इसे हम रोल करेंगे हल्के हाथ से घुमाते हुए, थोड़ा दबाते हुए हम इसे रोल करते जाएंगे। इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे।